हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ योर बायोलॉजी क्लास। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट चैप्टर नंबर 1, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसमें हम लोगों ने इवेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स होंगे। इसमें मैंने आपको बताया था प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र के बारे में। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, जब दो गैमेट्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, और गैमेट ट्रांसफ़र जब कोई भी गैमेट ट्रांसफ़र होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैमेट ट्रांसफ़र। ओके, नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ओके, जिस टाइम पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा वहाँ पर सेल डिवीज़न कैसे होगा। ओके, गैमेट्स इन ऑल हेटरोगैमेटिक स्पीसीज आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, किसी भी दो हेटरोगैमेटिक स्पीसीज के जो गैमेट्स होंगे वो क्या बनेंगे, हेटरो मीन्स क्या होता है, अलग। ओके, तो एक मेल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, फीमेल। वन इज मेल गैमेट एंड सेकेंड इज फीमेल गैमेट। गैमेट्स आर हैप्लॉइड थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ओके, जो गैमेट बनेगा किससे, मेल और फीमेल से, वो कैसा बनेगा, वो किस कंडीशन में होगा, हैप्लॉइड कंडीशन में। ओके, थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। जो हैप्लॉइड पेरेंट होंगे, हैप्लॉइड मतलब एन कंडीशन। ओके, जो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे वो कौन से डिवीज़न से करेंगे, माइटोटिक डिवीज़न से। ओके, डज दिस मीन्स दैट मियोसिस नेवर अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या है, क्या मियोसिस ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है, दैट आर हैप्लॉइड। केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th। ओके, अगर आप लोगों ने क्लास 11 की लाइफ साइकिल एल्गे में पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। ओके, सेवरल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू मोनेरा फंजाई एल्गे एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। कुछ यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स बताए गए हैं जो किसको बिलोंग करते हैं, मोनेरा फंजाई एल्गे और ब्रायोफाइट्स को। ओके, ये कैसी, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स एन कंडीशन। ओके, बट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स द पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉयड। और इनकी बॉडी कैसी होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो कैसे हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इनकी पेरेंटल बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मीन्स टू एन कंडीशन। ओके, इट इज़ ऑब्वियस दैट मियोसिस द रिडक्शन डिवीज़न हैज़ टू अकर इफ़ अ डिप्लॉयड बॉडी हैज़ टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट्स। अगर डिप्लॉयड बॉडी है तो उसको अगर हैप्लॉयड गैमेट बनानी है तो वो कौन सा डिवीज़न करेगी, वो करेगी मियोसिस। मियोसिस मीन्स रिडक्शन डिवीज़न। ओके, टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट्स। बेटा मैं आपको बताती हूँ कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है। ओके, माइटोसिस में क्या होता है, इसमें देखेंगे। माइटोसिस का मतलब होता है जो कंडीशन है उसको इक्वल रखना। ओके, अगर क्या है, अगर इंडिविजुअल हैप्लॉइड है तो आगे जो उससे इंडिविजुअल बनेगा वो क्या बनेगा, मियोसिस करने पर हैप्लॉइड ही बनेगा। ओके, लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करते हैं, मियोसिस में अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है, ठीक है, तो गैमेट हमेशा किस कंडीशन में बनेगा, एन कंडीशन में चाहिए। ओके, जो गैमेट होगा वो किस कंडीशन में चाहिए, एन कंडीशन में, तभी तो एक साथ सारे जितने भी गैमेट बनेंगे, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आएगा तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड कंडीशन, जो कि किस में होगी, 2N में। ओके, आप लोग इतना याद रखेंगे, इफ हैप्लॉयड पेरेंट, अगर पेरेंट कैसा है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स एन कंडीशन में, तो जो उससे गैमेट बनेगा वो कैसे बनेगा, माइटोसिस से। ओके, माइटोसिस डिवीज़न होगा। अगर पेरेंट डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड मीन्स टू एन कंडीशन में, तो हम क्या कराएंगे, मियोसिस कराएंगे। ओके, और उससे जो गैमेट बनेगा वो किस में बनेगा, एन कंडीशन में।
ओके। और जो गैमेट मदर सेल है वो कैसी है, टू एन कंडीशन में, ठीक है। मियोसिस मतलब क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, मतलब रिडक्शनल मतलब उसका हाफ कर देता है। मियोसिस कैसा, अगर कंडीशन कैसी है टू एन, तो उसको किस में चेंज कर देगा, एन कंडीशन में, इसका मतलब उसको हाफ कर दिया, रिडक्ट कर दिया। और माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीज़न, ठीक है। ये क्या करता है, ये इक्वल रखता है, अगर एन कंडीशन है तो उससे जो गैमेट बन रहा है वो भी क्या, एन कंडीशन में ही बन रहा है, ओके। तो ये डिफरेंस हो गया आपका मियोसिस और माइटोसिस का। देखिए इसमें लिखा है इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, डिप्लॉयड मीन्स टू एन ऑर्गेनिज्म, स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स, जो उससे गैमेट मदर सेल बनेगा वो कैसे बनेगा, किस फॉर्मेशन से, अंडरगो मियोसिस, एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट, केयरफुली स्टडी टेबल 1.1 एंड फिल इन द डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ओके। आपके सामने यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें आपको हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और डिप्लॉयड के बारे में यहाँ बताया गया है, ओके। आप यहाँ पर एक डायग्राम देखेंगे फिगर 1.6 में, तो इसमें आपको कुछ यहाँ पर देखेंगे, डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, बायसेक्सुअल एनिमल कौन कौन से हैं इसमें, ओके। बायसेक्सुअल मीन्स, देखिए अर्थवॉर्म ए नंबर में, इसमें मेल और फीमेल दोनों एक में ही प्रेजेंट है। देखिए ऊपर टेस्टिस दिखा लिख रहा है, नीचे क्या है, ओवरी, ये कैसा है, बाईसेक्सुअल, ओके। ये किसका है डायग्राम, अर्थवॉर्म का। इसके बाद में यूनिसेक्सुअल में देखेंगे कॉकरोच का, ओके। इसमें मेल और फीमेल दोनों क्या है, अलग अलग है। मेल का आप स्ट्रक्चर देखेंगे और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, ओके। इसके बाद में है थर्ड मोनोइशियस प्लांट कैरा, ओके। थर्ड नंबर क्या है, कैरा, ये देखिए आपके सामने यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन, ये दोनों देखने को मिल रहे हैं, ओके। डायोशियस प्लांट कौन सा है, मार्केंशिया, बाईसेक्सुअल स्वीट पोटैटो, ये देखेंगे फीमेल और मेल दोनों क्या हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, ओके। नाउ कम टू गैमेट ट्रांसफर, ओके। अब हम लोग देखते हैं गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है, आफ्टर देयर फॉर्मेशन, जैसे ही क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा गैमेट्स का, अब इसके बाद में मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूज़न या फर्टिलाइजेशन, ओके। जब गैमेट्स दोनों में बन चुके हैं, मेल में और फीमेल में, तब ये किस तरह से गैमेट ट्रांसफ़र होगा और फ्यूज़ करेगा, तो इसके लिए क्या होगा, फिजिकली उनको एक दूसरे के पास लाना होगा, फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूज़न और फर्टिलाइजेशन। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमेट्स मीट, क्या आपने कभी सोचा है कि गैमेट्स किस तरह से मीट करते हैं। इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट इज मोटाइल, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मतलब ज़्यादातर जो मेल गैमेट्स होता है वो मोटाइल होता है, मोटाइल मीन्स मूवेबल, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहा है, ओके। एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स नॉट मूवेबल या फिर नॉन मोटाइल कह देते हैं, ठीक है। स्टेशनरी मतलब वो अपनी ही जगह पर रहेगा, जो फीमेल गैमेट है वो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन जो मेल गैमेट है वो क्या कर सकता है, वो मूव कर सकता है, ओके। एक्सेप्शन सारा फ्यू फंजाई एंड एल्गे, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन केसेस बताए गए हैं कि कुछ फंजाई और कुछ एल्गे में ये दोनों टाइप के गैमेट्स मोटाइल पाए जाते हैं, ठीक है। बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल, देयर इज़ अ नीड फॉर अ मीडियम, और इसके बाद क्या बताया है कि हमें क्या, जो ये गैमेट क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसके लिए किसी न किसी तरह की मीडियम की ज़रूरत पड़ती होगी। देयर इज़ अ नीड फॉर अ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव, मेल गैमेट मूव करने के लिए एक मीडियम, किसी न किसी तरह की मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, कुछ यहाँ पर सिंपल प्लांट्स की बात हो रही है, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, वाटर इज़ द मीडियम थ्रू विच दिस गैमेट्स ट्रांसफ़र टेक प्लेस, इनमें क्या मीडियम होता है, वाटर,
जो पानी होता है, ठीक है, पानी के थ्रू से ही गैमेट ट्रांसफर होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ द मेल गैमेट्स हाउ एवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट्स, जो गैमेट्स का नंबर होता है, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स, जो फीमेल गैमेट होती है वो तो केवल एक ही बनती है, लेकिन जो मेल गैमेट होते हैं वो करोड़ों की संख्या में बनते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स फेल टू रीच द फीमेल गैमेट्स। टू कंपेंसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इज सेवरल थाउजेंड टाइम द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड, ओके। लेकिन जो ये लाखों करोड़ों की संख्या में मेल गैमेट्स बनते हैं, इनमें से ये सारे नहीं पहुंच पाते, कुछ क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं या कुछ नॉन मोटाइल या फिर कुछ मूव करना बंद कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या किए जाते हैं, ये करोड़ों की संख्या में प्रोड्यूस किए जाते हैं इन सीड प्लांट्स, ओके। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सीड प्लांट्स की। पॉलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स, ओके। सीड प्लांट में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, कैरियर होते हैं किसके, मेल गैमेट्स के। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स। एंड ओव्यूल हैव द एग, ओके। पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन एंथर्स देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो कहाँ तक उसको पहुँचना होता है, स्टिग्मा तक, जिससे क्या हो सके, आगे फर्टिलाइजेशन कंटिन्यू कर सके। इसमें जब आगे के चैप्टर में आप रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे तो इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि किस तरह से पॉलिनेशन होता है, ओके, और क्या क्या मीडियम्स होते हैं, कि कैसे पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक स्टिक करेगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ओके। तो ये आपका हो गया गैमेट ट्रांसफ़र, ओके। आज के लिए इतना ही रखेंगे और कल हम लोग पढ़ेंगे इसमें फर्टिलाइजेशन के बारे में, ओके। स्टूडेंट्स, आप लोग इसके प्रॉपर तरीके से डेली नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करते रहिए।